अभी हम सस्ताधारा रोड पे हैं, यहाँ से लेते हैं लेफ्ट टर्न। ये बोर्ड भी लगा हुआ है, ऑंगस्टन लाइब्रेरी। तो भाई हर जगह आम लगे हुए हैं और बच्चे तोड़ रहे हैं आम। आम खा रहे हो? आम नहीं, ये हमें देख के ना रुक गए। और लीची भी बहुत लगी हुई है आजकल। अब तो खैर बारिश शुरू होगी, अब कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे लीची में। तो ये रास्ता है जो लाइब्रेरी जा रहा है। तो पहुंच गया हम लाइब्रेरी पे, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, देखो हिंदी में सोनचैन टाइप लिखा हुआ है। अब इसको मुझे नहीं पता सही प्रोनाउंस कैसे करते हैं। और वहाँ पे भी कुछ बना हुआ है मोनेस्ट्री काइंड, तिब्बती लोगों का पूरा इलाका ही है। और ये लाइब्रेरी है लेफ्ट में, चलो चलते हैं। काफ़ी अच्छी दीवार है इसकी, ये देखो वहाँ तक पूरी दीवार है। सो टू व्हीलर इससे अंदर नहीं ले जाने दे रहे, तो मैं तो आया था अपनी स्कूटी से, तो मुझे यहीं पार्क करनी पड़ेगी। ये सामने लाइब्रेरी है, अब चलते हैं लाइब्रेरी में। तो ये ग्रैंड एंट्री है इस तरफ से, और ये कार पार्किंग इधर, यहाँ से मैं अभी आया हूँ। तो मैं डिटेल्ड वीडियो दिखाने वाला हूँ इस लाइब्रेरी की, चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी हम कहाँ से एंट्री करें, अभी इसका ना मैप भी हटा हुआ है, यहाँ पे मैप है। हम किस गेट से आए हैं? लाइब्रेरी नंबर वन पर है। नंबर वन कहाँ पर है? नंबर वन कहाँ पर है देखना पड़ेगा। ये चार है, ये तीन है, ये वन है। ये मेन गेट से एंट्री है और लाइब्रेरी पीछे की तरफ है। तो पहले हम इस तरफ चलते हैं, चलो। यहाँ पे एक स्टैचू है और मुझे नहीं पता किसका है, चलो पढ़ लेते हैं। चलिए इसके अंदर चलते हैं, ओपन है सामने। कितने आम लग रहे हैं और चिड़ियाएं बोल रही हैं सामने, वाओ। वाओ कितना बड़ा हॉल है, पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल है अंदर। और अगर इधर राइट में जाएं तो कुछ नोट्स हैं, और इस तरफ शायद आज का अखबार, यहाँ पे डेली अखबार आते हैं। आज का ही है ना, आज 29 जून आज का ही है। अरे वाह, सारे न्यूज़पेपर हैं। मुझे तो स्कूल की याद आ गई, कभी आर्मी स्कूल में हुआ करते थे ऐसे, वाओ। और यहाँ पर तिब्बत के फोटो हैं कुछ, ये देखो याक, और एक फोटो इधर है। ये बैठने का स्थान है, कुछ सोफे वगैरह रखे हुए हैं इधर भी, और ये फोटो रखी हुई है। इन्हीं के कोई वारियर होंगे या गुरु होंगे। तो ऊपर चलें या कहाँ चलें? ये तो इतना ही था, चलो छोड़ो। यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है, और अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि ये मेन हॉल था। अब चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ, आ जाओ। वहाँ सामने मैच है उस तरफ। ये एक्चुअली ये एक कॉलेज का पार्ट है, कॉलेज का नाम कुलगा कुछ इस तरह से था, मैं देखूंगा अगर कहीं पढ़ने को मिला तो। उन्हीं की लाइब्रेरी है, और आपको यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन में आ गए हो, कहीं यूरोपियन कंट्री में या फिर अमेरिका में हो। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रॉपर है सब कुछ। अब देखो एक कार दिखाऊंगा, अद्भुत कार, मतलब बहुत विंटेज कार है वो, मर्सिडीज़ की। और उसकी एक हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो 220S मर्सिडीज़ DBD 8469। और यहाँ पे पढ़ लीजिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये 1964 का सैलून मर्सिडीज बेंच है, चेसिस नंबर भी लिखा हुआ है। इट वॉज यूज बाय द होलीनेस द, मतलब ये नंबर है दलाई लामा ऑफ तिब्बत, 18 ईयर्स तक इसको इस्तेमाल किया है, 1964 से 1982 तक। ये लॉक की हुई है, शीशे में रखी हुई है पूरा। वाओ, उस टाइम ऐसी कार यूज होती थी, बहुत लग्जरियस है। तो भैया मिले हैं यहाँ पे, अच्छा जैसे यहाँ पे ऑफिस है, ये मैं से स्टूडेंट रहते हैं क्या, कॉलेज का पार्ट है ये? स्टाफ है। अच्छा स्टाफ है, तो मतलब पढ़ते होंगे ना कॉलेज या क्या? ऑफिस की। अच्छा ऑफिस का ही है कुछ, मतलब इनका जो चलता रहता थी। चलो भैया ने मुझे बताया कि लाइब्रेरी ना ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे,
तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे तो एक वही है पार्ट, तो एक हॉल है सेमिनार हॉल, तो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। सब कुछ कितना शांत है, सब कुछ कितना क्लीन है, वाओ। तो भाई ये लाइब्रेरी थी, तो लाइब्रेरी थी, मैं ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रही वहाँ पे, ना शोर मचाया, जितनी भी पॉसिबल थी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। और छत से देखते हैं कैसा व्यू आया, कुछ लोग आए हुए हैं छत पे घूमने भी। वाओ, ये सस्तधारा वाले पहाड़ हैं। और देखो आज क्योंकि मानसून आ चुका है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, लोगों के घर दिख रहे हैं यहाँ से। और ये देखो पूरी लाइब्रेरी का पार्ट है, वो खलंगा वाले हिल हैं और स्थल विलेज, और नीचे का एरिया दिख रहा है मुझे, मालदेवता जो रोड जा रही है। सुपर इन्वायरमेंट, सुपर जगह, मज़ा आ गया देख के, बहुत पीसफुल। वो मेन गेट है जहाँ से हम अभी आए हैं, और इस तरफ से यहाँ पे ना आप आओ, 50 रुपये चार्जेस है ओनली लाइब्रेरी का, 100 रुपये में खाना है, आप आइए, बीच में भूख लग रही है तो 100 रुपये में एक थाली आपको मिल जाएगी। यहाँ से व्यू देखो, वो मैस है, ये ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस। वाओ, बहुत बेहतरीन मौसम। और आज ना मसूरी के पहाड़ बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फोग आया हुआ है पूरा। वो वाले मालसी डियर पार्क के हिल है, ये खलंगा हिल है। इस लाइब्रेरी में इतनी जगह है ना कि ये देखो कितना बड़ा बाग है, आम के पेड़, लीची के पेड़, इमली के पेड़, और पता नहीं किस किस तरह का पेड़ है। तो कुछ विजिटर्स आए थे जो कि छत पर घूम रहे थे, तो ये किसी कॉलेज का पार्ट है शायद। लाइब्रेरी की हिस्ट्री मुझे देखनी पड़ेगी ढंग से, फिर बताऊँगा मैं आपको। इनकी वेबसाइट भी है, और जो कि डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, देख लेना और उसके बारे में पढ़ लेना पूरा कि किसने शुरू करी, इसका एक पर्पस है पूरा, किसने शुरू करी है, क्या है। सामने ऑफिस है, चलिए ऑफिस चलते हैं और एग्जैक्ट फीस मालूम करते हैं इसकी मंथली कितनी है। वैसे टाइमिंग तो मैं बता दूँ, सुबह 9 to evening 5 PM है, और एवरी संडे छुट्टी है, और एवरी सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे भी छुट्टी रहती है। तो उसी बीच में आप यहाँ पे आ सकते हैं, और सामने मैस है, क्योंकि आप पूरा दिन पढ़ने आएंगे यहाँ पे तो बीच में भूख भी लगेगी, तो शायद 100 रुपीज़ में एक थाली है जो कि आप लुफ्त उठा सकते हैं। चलिए ऑफिस चलते हैं, शायद 30 रुपीज़ पर मंथ इसका रेंटल है, लाइब्रेरी का काफ़ी सस्ता है। तो अभी आ रहे हैं ऑफिस वाले, भी कहीं गए हुए हैं, जब तक मैं देखता हूँ मुझे एक चीज़ दिखाई दी है, देखो कुछ बुक्स आई हैं और उनको किस तरह से पैक किया हुआ है इनके स्पिरिचुअल फ्लैग से। स्पिरिचुअल फ्लैग है या क्लोथ है, क्या बोलते हैं इसको, ये सबको ना जब हम लेह लद्दाख गए थे संदीप के साथ तो उन्होंने बाइक पे ट्राई किया था। तो अभी मैं लाइब्रेरी से वापस जा रहा हूँ, मैंने पता कर लिया यहाँ की मंथली फ़ीस, तो यहाँ की मंथली फ़ीस 50 रुपीज़ है, और आपको ना एक डबल, आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, ग्रेजुएशन होने चाहिए, और आपका आधार कार्ड और एक फ़ोटो यहाँ पे लगेगा, लाइब्रेरी में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप लाइब्रेरी में आ सकते हैं। सो बैक टू होम। और भाई ये इस घर से जो आवाज़ आ रही है ना, ये मार्बल कटने की मशीन की, मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। लाओ आम का जूस दे दो जल्दी, लो फोन अपना, हाँ तो मिक्सी निकाल एक, चलो मुझे भी कुछ हेल्प करनी पड़ेगी। आम कहाँ रखे हैं, काट दिए ऑलरेडी, ओके मिक्सी कहाँ रखी है, ये रही भाई मिक्सी। आम का जूस पीना है तो करना पड़ेगा, कल भी नहीं मिला आम का जूस, बड़ा गिलास का रखा है ये रहा, ये लो। और कुछ